क्यों भाई, अब बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, अब तो दान वीर करण बनकर दोनों हाथों से लुटा रहे हो। सूर्या, ये ताजा दूध है, पी लो, पीते ही तुम्हारे रगों में ताकत आ जाएगी, फिर करना तलवारबाजी। लो पिला दो इसे। अच्छा, आप यहाँ फ्री की रोटियाँ तोड़ते हैं, आप तलवार उठा के क्यों नहीं लड़ते? तलवार चलाना मुझे अच्छे से आता है, मैंने तलवार उठा ली ना तो लोगों के डर से सुसुर। ये देखो। क्या कहा? ये देखो। अच्छा, अगर मैंने तलवार अपने हाथ में उठा ली ना तो चार कट नहीं है, इसीलिए मैंने तलवार उठाना बंद कर दिया है। वाह, क्या बात है, अभी तुम्हें जरूरत है तुम ही तलवार निकाल लो। तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दो और देखो तलवार निकल जाएगी। आप पागल हो गए, मेरे पास क्या कोई कुबेर का खजाना दबा पड़ा है? पैसे कमाने का उससे आसान तरीका है। क्या तरीका है बताओ तो? अभी बता दो। इस वक्त आपकी जेब में कितने पैसे? मेरे पास 1, 2, 3, 4 5,000 है। मेरे पास 25,000 है। तो ये 5,000 मिलकर हो गए 30,000। 15,000 आपके और 15,000 मेरे। अब ना कोई राजा है ना फकीर, एवरीवन इज इक्वल, सब एक समान है। ये तो मजा आ गया, 5 के 15,000। इस तरीके को क्या कहते हैं? इसे सोशलिज्म कहते हैं। ओहो, सोशलिज्म तो बड़ा कमाल है, अगला तरीका क्या है? बड़ी ये क्या था? राउडीज्म। जेब में जितने पैसे हैं निकाल के मुझे दे दो। नहीं निकालूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। मेरी तलवार निकालो। तलवार निकालने की क्या जरूरत है? अभी गुंडाइज्म भी तो दिखाना है। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके टुकड़े करके कुत्तों को। टुकड़े करोगे? मैं तुमसे नहीं डरता। ये पकड़ो सारे पैसे, इसे छूना भी पाप है। अच्छा, 2x2 किसको बोला? नहीं तो क्या अमिताभ बच्चन बोलो? ये चलेगा भैया। एक बात समझ लो, अगर आगे से मुझसे किसी भी गलत काम के लिए पैसे मांगने चले आए ना, तो टेररिज्म दिखा दो। अब ये टेररिज्म क्या है भैया? आपके पिछवाड़े में बड़ा सा रॉकेट लगा दूंगा, कितना डेंजरस होता है ये बताएगा। बाप रे! जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो दिल में कुछ कुछ होने लगता है। मेरा दिल लुढ़क पुढ़क करता है, समझाने पर मानता ही नहीं। तुम्हारा दिल भी लुढ़क पुढ़क करता है क्या? लुढ़क पुढ़क नहीं होती। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जिसके दिल में मुझे देखकर लुढ़क पुढ़क नहीं होती उसका चेकअप करना चाहिए। मैं चेक करूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम दूरी रहना, दूरी रहना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं संध्या से ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? आप कहें तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने के लिए कुछ करूं? वैसे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, जैसी हो वैसी ठीक हो। सच सच बताइए कि मैं संध्या से ज्यादा सुंदर हूँ ना? और मेरी कमर उससे ज्यादा लचीली है ना? तुम्हारी तो जबान भी उससे तेज चलती है। क्या कहा? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो हमेशा चुप ही रहती हूँ, बस सिर्फ इतना ही पूछती हूँ कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहाने से पहले तेल से मालिश करते हो या नहीं करते हो, पीठ पर साबुन लगा सकते हो या नहीं, और सोते समय तकिया पकड़ कर सोते हो क्या? मैं सपने में ज्यादा सुंदर दिखती हूँ या रियल में? सपने में मुझे छेड़ने की कोशिश करते हो या लल्लू की तरह भाग जाते हो? नींद में कुछ करते हो या बस खर्राटे ही लेते रहते हो? रात को कितनी बार टॉयलेट जाते हो? अगर मैंने आपसे इतनी छोटी सी बात पूछ ली तो क्या मेरी जबान तेज हो गई? शादी के बाद मैं जितना खुश रखूंगी कोई नहीं रख पाएगा। समझ गया, तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। बाप रे, ये तो गॉन केस है। आधा प्यार करना था ना तुम्हें, आज पूरा कर लो, पूरा का पूरा। जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। वैसे हम सब लोग शहर जा रहे हैं, तैयार हो जा। हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं, भाई की वजह से बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अचानक से हम शहर क्यों जा रहे हैं? दीदी की शादी का मुहूर्त निकल आया है, हम सब खरीदारी के लिए जा रहे हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे आप पागल हो गए क्या? कोई डाउट है क्या?
शहर जाते वक्त हमारा घर रास्ते में पड़ता है, तो हम तुम्हें बिना खाना खिलाए यहाँ से कैसे जाने दे सकते हैं? अब ना मत कहना। चलो ना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर बढ़ता हूँ। हाँ, ओके चलिए, बस अंदर जाएंगे, जलपान कीजिएगा और निकल जाइएगा। वैसे आपको किसने बताया हम शहर जा रहे हैं? अब तेरी तो इसने। ठीक है चलो। आइए आइए, पहले आपका स्वागत। ओए, हम आए या नहीं? हाँ हाँ, आपका भी स्वागत है, पर वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। देखना कैसे धूमधड़ाके से स्वागत होता है। हाँ चलो देखते हैं। वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलकम। तुझे तुम्हें देख। अच्छा बहन बिपाशा, जरा मेहमानों के लिए पानी तो लेकर आओ। निकालिए ना जूते, पैर धो दे। अच्छा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम शादी करेंगे सिर्फ आपसे। अच्छा, ही करेंगे। संभाल के। सॉरी, ये क्या कर रही हो? बहुत धो दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। जाओ। हाँ ठीक है, जाओ ना। अच्छा बहन करीना, आपकी एक और बहन है। मेहमान जरा गीले हो गए हैं, तौलिया लेके आओ फटाफट। मैं सिखाऊंगी। मैं खुद कर लूंगा। मैं बहुत अच्छे से घर संभालती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम सुखी हो जाओगी। बहन तुमने सुखा दिया, बहुत अच्छे से सुखा दिया। अब जाओ जाओ। आपने तो कहा था आपका कोई नहीं है। ये दोनों तो गांव के सरपंच की बेटियां हैं। जब से आपको लड़ते हुए देखा है, इनके दिल में आपके लिए। अरे यार, इस मुसीबत से बचा ले। अरे भाई सुनो, तुम्हें तो इतनी सारी लड़कियां कॉल करती है, हमें तो कोई एक मिस कॉल भी नहीं देता। चार चार लड़कियां तुम्हें कॉल करती है, चार सिम वाला मोबाइल ले ले भाई। ये तो ठीक बोल रहा है। एक बात सुनो, प्यार तो तुम्हारे दिल में बहुत है, थोड़ा थोड़ा सब में बांट दो। तुम्हें क्रिकेट टीम भी तो बनानी थी। हाँ बनानी है, तो क्या करूं? मैं तो कहता हूँ चारों से ही शादी कर लो, पता है इससे कितनी आसानी होगी। एक एक से चार चार बच्चे होंगे और किसी एक पर लोड भी नहीं पड़ेगा। भाई मैं तो बोलता हूँ जल्दी से जल्दी ये सब कर दो, IPL के टेंडर खुले हैं, हम अपनी टीम भी डाल सकते हैं। आओ आओ बैठो बैठो, अपने कोमल पैर ऐसे आराम से रखकर अंदर चढ़ो। आप कहें तो इसे यहीं छोड़ दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आपके पास तो चार चार है, मेरे पास सिर्फ एक है, मेरा काम एक घंटे में हो जाएगा। बाय 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 बाय। Oh!
जीजाजी, 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 मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। भाई, भाई, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, किसी को भी नहीं, एक एक को चुन चुन कर मारना, उनका नामो निशान मिटा देना। तुम्हें पता है यहाँ के लोगों के लिए तुम एक मसीहा हो, उनका विश्वास मत तोड़ना। भाई, उनका सर्वनाश कर देना। माफ करना। सूर्यवंशी खानदान का असली राजकुमार ही उनसे लड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि तुम असली राजकुमार नहीं हो। तुम्हारी वजह से बहुत लोगों की जान चली गई है। तुम जाओ यहाँ से।